आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, या सब्जेक्ट मैटर ना देख के इसको आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। वैसे इकोनॉमिक्स को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, फिर से समझिएगा, इकोनॉमिक्स को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, कोई डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का नहीं दिया, तो डिफाइन कैसे करेंगे। तो चार अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए, चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग लोगों का, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मिलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना बड़ा एरिया है, इसका एरिया इतना बड़ा है कि कोई इसको डिफाइन नहीं कर पाता है। इसलिए जब इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। इसलिए डेफिनेशन लिखने के लिए चार अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो हम लोग सब्जेक्ट मैटर के नाम से जानते हैं। चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, और चारों कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, यानी चार तरीके से डिफाइन किया गया है, फिर भी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं। एक आदमी कोई डेफिनेशन देगा और दूसरा आदमी उसको ठीक कर देगा, दूसरा आदमी उसके बारे में बता देगा देखो ये डेफिनेशन ऐसे ऐसे गलत है, तो रियल में आपको लगने लगेगा कि वो डेफिनेशन गलत है। तो पहला डेफिनेशन देता है तो कोई उसको गलत कर देता है, फिर कोई देता है तीसरा उसको गलत कर देता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एरिया इतना बड़ा है ना कि उस एरिया को पूरा डिफाइन कर पाना मुश्किल है। कोई एक सेगमेंट को पकड़ता है, एक क्षेत्र को पकड़ता है, दूसरे सेगमेंट को छोड़ देता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए थे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के लिए। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था फर्स्ट, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, एडम स्मिथ लाए थे, इसको बोलते हैं वेलफेयर वेल्थ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला आया था वेल्थ कॉन्सेप्ट, धन की अवधारणा या धन संबंधी अवधारणा, धन संबंधी अवधारणा कौन लाया था, हाँ गिवेन बाई लिख देते हैं, शॉर्ट में हम लोग को लिखना है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक, एडम स्मिथ थे। अच्छा ये अपना बुक लिखे थे 1776 में, क्या किए थे बुक लिखे थे, कौन से साल में 1776 में, पूछा जाएगा कि इनका बुक कब पब्लिश हुआ था, तो यहाँ लिख देते हैं बुक पब्लिक्स, पुस्तक प्रकाशित। कोई दिक्कत है, इनका बुक 1776 में प्रकाशित हुआ था, और बुक का नाम क्या था, बुक नेम क्या था, अगर बहुत लंबा था एन इंक्वायरी इनटू नेचर तो आप शॉर्ट में लिखेगा, इसका बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन था तो बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ये तीन चीज़ समझ गए, पहला इकोनॉमिक्स के फादर का नाम क्या है, एडम स्मिथ, ये कब बुक लिखे थे 1776 में, बुक का नाम क्या था वेल्थ ऑफ नेशन। अब इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या था, ये कुछ तो इकोनॉमिक्स बाबा ने बोले ना, तो पहली बार ये बोले क्या थे, ये डिफाइन क्या किए थे इकोनॉमिक्स को, तो इनका कहना था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये बोलते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। धन का मतलब यहाँ सिर्फ रुपये पैसे की बात होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, सिर्फ रुपये पैसे की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इसमें वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, कोई दिक्कत है। अब चलते हैं दूसरा डेफिनेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ लिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था, वेल्थ कॉन्सेप्ट, कौन दिया था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। इनका बुक कब पब्लिश हुआ था 1776 में, बुक का नाम क्या था वेल्थ ऑफ नेशन, और इनका डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनको लगता था इकोनॉमिक्स में कि केवल पैसे की बात की जाती, तो अगर केवल पैसे की बात की जाती तो सरकार क्यों सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज करती है, सरकार क्यों सरकारी स्कूल में फ्री में बच्चों को पढ़ाती है, पैसे की बात होती तो क्या लगता है इकोनॉमिक्स जिस ज़माने में, कब ज़माना था 1776 में, ये बोले थे कि सिर्फ सरकार जो है पैसे, सॉरी इकोनॉमिक्स जो है पैसे की बात करती है, जबकि इनका डेफिनेशन बाद में 1776 में सही था, इनका डेफिनेशन गलत नहीं था, बाद में जैसे जैसे समय बीता गया और सरकार कार्यक्रम चलाते गई वेलफेयर के लिए,
है ना, योजना चलाती गई मानव कल्याण के लिए, तो लगा कि इनका डेफिनेशन सही नहीं, क्योंकि पैसे की बात सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं होता, इकोनॉमिक्स में मानव कल्याण की भी बात होती है। मानव कल्याण समझते हैं, ह्यूमन वेलफेयर की भी बात होती है कि मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, उसकी भी बात होती है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जब समय बीतता है ना, जैसे आज के समय में 1776 में कोई डिफाइन करके चला गया तो उस समय के सिचुएशन के हिसाब से ना डिफाइन किया होगा। आज जब 2022 चल रहा है तो सिचुएशन बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो उसका डेफिनेशन कैसे आपको सही लगेगा। इसलिए जैसे जैसे समय बीता जाता है इसका डेफिनेशन गलत होता जाता है। तो देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया बाद में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर कॉन्सेप्ट। वेलफेयर कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कल्याणवादी अवधारणा। कल्याणवादी अवधारणा कौन दिया वेलफेयर कॉन्सेप्ट? प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने दिया। कोई दिक्कत किसी को? वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिया है? प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल दिया है वेलफेयर कॉन्सेप्ट। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन वेलफेयर की बात होती, मानव कल्याण की बात होती, पैसे की बात नहीं होती। इसमें इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ मानव कल्याण की बात होती, मनुष्य के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, पैसे के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो जिस ज़माने में ये अपना डेफिनेशन दिए थे उस इनका ठीक था, लेकिन समय बीता चला गया फिर डेफिनेशन बदल गया और लोग सरकार इकोनॉमिक्स में वेलफेयर की बात करने लगी, मानव कल्याण की बात करने लगी, लोगों का कल्याण होना चाहिए, इसके लिए रोड बना के दो, इसके लिए सरकारी अस्पताल दो, इसके लिए सरकारी स्कूल दो, क्योंकि जितना ज़्यादा सुविधाएं सरकार, अच्छा अनाज देती है सरकार, ये सब किसके लिए देती है? राशन दुकान के माध्यम से तेल देती है सस्ते दरों पर, ये सब किस लिए देती है? मानव कल्याण के लिए या धन कमाने के लिए? मानव कल्याण के लिए। इसको लगा कि नहीं मानव कल्याण होना चाहिए। तो इनके ज़माने में जब ये डेफिनेशन दिए थे उस ज़माने में मानव कल्याण ज़्यादा अच्छा था, इसलिए इनका डेफिनेशन था कि इकोनॉमिक्स क्या है? मानव कल्याण है, धन का विज्ञान नहीं है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल क्या किए, इनके डेफिनेशन को गलत कर दिए और गलत करके अपना डेफिनेशन डाल दिए। बोली कहते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इकोनॉमिक्स क्या है? मानव कल्याण। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं, खाली फर्स्ट वाले के बारे में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन इसमें भी पढ़ना है आपको कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने। बोली कहते हैं और इनका कौन सा कॉन्सेप्ट था प्रोफेसर मार्शल का? कल्याणवादी अवधारणा। ठीक है, यहाँ मानव कल्याण है, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? मानव कल्याण। तीसरा लिखते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट। कुछ समय बीता तो इनका भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया, दूसरे को गलत करने वाले कभी अपने भी गलत हो जाते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आया स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं दुर्लभता संबंधी अवधारणा। दुर्लभता संबंधी अवधारणा कौन दिया? हाँ, प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स, ध्यान दीजिए, ये इकोनॉमिक्स को अलग टाइप में बांट लेके चले गए, अलग दुनिया में लेके चले गए। ये दोनों का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था कि सर ये पैसे की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स कोई भी बात भी जानता है कि इकोनॉमिक्स में किसकी बात होती है? पैसे की। जहाँ अर्थशास्त्र, नाम ही अर्थ मतलब पैसा, पैसे का शास्त्र, ये भी समझ में आता है। चलो मानव कल्याण भी समझ जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर मानव कल्याण के बारे में भी सोचा जाता है। लेकिन ये क्या किया कि वो दोनों को छोड़ के इकोनॉमिक्स को अलग रूट में पकड़ा दिया, बोला ना इस रास्ते पर चलो ना इस रास्ते पर चलो, ना इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वेल्थ का और ना ही इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी का। अब स्कार्सिटी क्या होता है? एकदम अलग दुनिया में लेके चला गया इकोनॉमिक्स को, ना तो वेल्थ से जोड़ा ना वेलफेयर से जोड़ा, बोला वो दोनों कुछ नहीं सर, स्कार्सिटी ही प्रॉब्लम है मेन। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता। क्या होता है दुर्लभता? कमी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका हिंदी होता है दुर्लभता या कमी। इसका मतलब है इस दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं सबके पास कमी है, इस दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं सबके पास कमी है। और ये कमी आती का कैसे भाई, कैसे हमारा हमको लगता है कि हमारे पास कमी है? तो याद रखना है कि कमी होने का फर्स्ट रीज़न ये है कि आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, नीड्स वांट्स अनलिमिटेड हैं। आवश्यकताएं क्या है? अनलिमिटेड, असीमित है, और उसको पूरा करने का साधन क्या है? सीमित है। तभी तो अपने को लगता है कि कमी है अपने पास पैसे की।
खूब इच्छा है, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसा कम है, तब हम लोग को लगने लगता है कि अपने पास कमी है। तो समस्या यही है इकोनॉमिक्स का, इनका डेफिनेशन कहना है कि इनका एक समस्या ना तो पैसे से रिलेटेड ना मानव कल्याण से रिलेटेड, प्रॉब्लम है स्कार्सिटी से रिलेटेड, कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, अनलिमिटेड वांट्स है, और उस आवश्यकता को पूरा करने का जो साधन है वो क्या है, सीमित है। अभी सीमित साधन में, जो सीमित पैसा है, सीमित साधन में अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, यही तो इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स क्या बताता है, फिर से बता रहे हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, अनलिमिटेड वांट्स है, और उसको फुलफिल करने के जो मीन्स हैं, जो साधन है, वो क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड सोर्सेस में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये क्या बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। इनका कहना ये था कि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधन में कैसे की जाएगी, ये आपको अर्थशास्त्र बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है, और इनका कहना यही था। कोई दिक्कत है प्रोफेसर रॉबिन्स का, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, वैसे हम लिख देते हैं। इनके अनुसार क्या था, सेकेंड वाले के अनुसार क्या था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर, किसका है, वेलफेयर। ये बोलता है वेलफेयर के बारे में, ये क्या बोल दिया है, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या, फुलफिलमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स थ्रू लिमिटेड रिसोर्स, सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, यह अर्थशास्त्र बताता है। कोई दिक्कत है, इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करेंगे, और ये सब आदमी का झंझट है, चाहे हम मानी क्यों ना हो, पैसा खूब है ठीक है, उसको भी यही समस्या है, गरीब आदमी उसको भी यही समस्या है, और हम लोगों को आज तक जो लगता है हम गरीब हैं, बस इसी के कारण लगता है। जिस दिन तुम मान लो जितना मेरे पास है उतना बहुत है, काफ़ी है, कमी कुछ है ही नहीं, आप गरीब आदमी हो ही नहीं, भले पैसा हो ना हो, आप अमीर आदमी हो, लेकिन हम लोग, पहले साइकिल नहीं था, साइकिल खरीदा गया तो टेंशन हो गया कि मोटरसाइकिल नहीं है, बगल वाला मोटरसाइकिल खरीद दिया, चलो इच्छा है मोटरसाइकिल खरीदने का वो भी खरीदा गया, पापा खरीद के दे दिया, तो बोला कि फोर व्हीलर तो नहीं है भाई, कार तो नहीं, चलो वो भी खरीदा गया अल्टो, तो बोला अल्टो ना है भाई, क्रेटा थोड़ी है। हाँ यानी इच्छा कभी बदलेगी, और कहीं सब गाड़ी खरीद लिया तो बोलता है फॉर्चूनर तो नहीं, BMW सब खरीदा गया तुम्हारा, तब वो बोलने लगता है कार में क्या मज़ा है, हेलीकॉप्टर में जो मज़ा है, नहीं, इच्छा मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। लेकिन भाई हम लोग जानते हैं कि इच्छा तो ख़त्म नहीं होती, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए ना, और वो पैसा तो लिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड है नहीं, किसी के पास इस दुनिया में अनलिमिटेड नहीं, किसी के पास हो अनलिमिटेड नहीं, अगर जितना उसका इच्छा है ना उससे कम ही पैसा, हमेशा याद रखेगा, और ये कमी सबके साथ है, चाहे मानी हो चाहे हम लोग आम आदमी हो, बात समझ गए। तो इकोनॉमिक्स को अलग रूट में लेके चले गए, कौन, प्रोफेसर रॉबिन्स, बोली क्या था, ये लेडी हैं, अलग रूट में लेके चली गई, बोलती ना वो वेल्थ की बात होती है ना वेलफेयर की बात होती है, इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी की बात होती है, कमी की बात होती। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या किया, बोला कि अच्छा ये तीनों को गलत बता दिया, तीनों ठीक नहीं है, और चौथा वाला बहुत बुद्धि लगाया और तीनों कॉन्सेप्ट को जोड़ के नया कॉन्सेप्ट बना दिया। बोला जब उसका उस ज़माने में सही था बाद में गलत हो गया, इसका भी अपने ज़माने में सही था बाद में गलत हो गया, इसका भी सही है बाद में गलत हो जाएगा, तो तीनों मिला देते हैं, तीनों अगर मिला देते हैं तो सही होगा कि नहीं। तो ये लेके आ गया डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, क्या लेके आ गया, और अभी जो इकोनॉमिक्स चल रहा है वो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पर ही तो टिका हुआ है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है ना, विकास केंद्रित अवधारणा, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ गया जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कोई दिक्कत है, विकास केंद्रित अवधारणा है, गिवन बाय किसने दिया था, सैमुएलसन ने, हाँ
सैमुअलसन द्वारा दिया गया, सैमुअलसन दिया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कौन दिया था? सैमुअलसन। इसका कहना क्या था? इसका कहना है ना तो इकोनॉमिक्स वेल्थ कॉन्सेप्ट है, ना वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, ना स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट है। भाई इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट की बात होगी, और जब डेवलपमेंट की बात होगी तो तीनों चीज़ आ जाएगा, पैसा भी आएगा, वेलफेयर भी आएगा और स्कार्सिटी भी आएगी। इसलिए डेवलपमेंट की बात करो। आज देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार डेवलपमेंट कर रही है इकोनॉमी को, रोड बना रही है, ब्रिजेज पुल बना रही है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है जो आज तक चल रहा है कि इकोनॉमिक्स में किसकी बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है। तो ये चार अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वैसे आप लोगों के सिलेबस में इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग बता दिए कि क्या क्या हमारे पास सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स में, यानी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या। तो इकोनॉमिक्स को अगर डिफाइन करना हो, इकोनॉमिक्स को समझना हो, तो ये चार कॉन्सेप्ट के बगैर अधूरा है। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इकोनॉमिक्स को सही से नहीं जानते। इकोनॉमिक्स जानने के लिए आपको चारों कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो गया, अभी के समय में गलत है, लेकिन अपने ज़माने में तो सही था ना। ये कॉन्सेप्ट भी सही, सब कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन होता है ना, जैसे इकोनॉमिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल याद रखना, एक कहावत बता देते हैं कि हाथी जो है उसको अगर छः अंधा आदमी या पाँच अंधा आदमी छू दे, पाँचों अलग अलग कंपोनेंट को हाथी का, तो क्या करेगा? अंधा आदमी है, दिखता उखता नहीं है, जो पैर पकड़ेगा क्या समझेगा? उसको नहीं पता है हाथी है, क्या समझेगा? पैर पकड़ा तो अंधा आदमी समझेगा, खंभा है, हाँ या नहीं? मतलब समझ में आ रहा है, बोलने का मीनिंग समझना। इसका मतलब है कि जैसे अंधे आदमी हाथी को डिफाइन कर दिया अलग अलग पार्ट को, कोई सूंड पकड़ा कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो जैसे वो डिफाइन कर दिया हाथी को पांच अलग अलग व्यक्ति, वैसे ही इकोनॉमिक्स को सब अंधा आदमी डिफाइन करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को परफेक्टली कोई जानता नहीं, और जानता नहीं तो हम लोग अंधे आदमी की तरह जिस एंगल से देख पाए इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर दिया, हमको लगा कि इकोनॉमिक्स तो यही है, और हम लोग उसके अनुसार डिफाइन कर दिया, तब तक दूसरे एंगल से छूट गया। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़े दुनिया है, तो हम जिस एंगल, जैसे मेरा एक सोच है इकोनॉमिक्स के लिए, हम जिस एंगल से देख रहे हैं, जहां हमको फोकस करना पड़ रहा है, हमको लग रहा है इकोनॉमिक्स यही है, और हम उसके अनुसार डिफाइन कर दिए। लेकिन पता चला जब दूसरा व्यक्ति आया तो बोला ठीक है आपका बिल्कुल बात सही है, आप जिस एंगल से डिफाइन किया बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा इस एंगल की तरफ भी जाइए। ऐसे भी तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जा सकता है, तब हमको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरा डेफिनेशन ठीक नहीं है, बात समझ गए। अब दूसरा आदमी को बोलेंगे तुम डिफाइन करो, तो वो भी डिफाइन करेगा, लेकिन कोई एंगल वो भी छोड़ देगा। यही समस्या है। इतना बड़ा एरिया इकोनॉमिक्स का होता चला जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, छोटा था पहले, अब धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए देखिएगा कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, सब में इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स कहीं छूटा नहीं, इसलिए नहीं छूटा है क्योंकि इकोनॉमिक्स का एरिया बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, हर जगह इकोनॉमिक्स का यूज है। आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स को, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स चाहे कोई स्ट्रीम में चले जाओ, सब जगह पे इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल है, बात समझ गए। इसलिए इसका यूजेज जो है हर जगह पे है, यही हम लोग को इसमें देखना था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कल बताया था चार सब्जेक्ट मैटर है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। समझ गए, सब्जेक्ट मैटर अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यही होगा। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं नया टॉपिक, वो देखने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति, दो तरह का नेचर है इकोनॉमिक्स का। पहला होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आदर्श विज्ञान, आदर्श अर्थशास्त्र, दो तरह का इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ये दोनों डिफरेंस आपको बता देंगे। पॉजिटिव अर्थशास्त्र क्या बताता है? ये वास्तविक मतलब आज के समय की समस्या को बता देता है कि आज क्या होना चाहिए, और ये आदर्श की बात करता है कैसा होना चाहिए,
भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जैसे होता है ना कि जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए थी, भारत की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए थी आदर्श, और अभी क्या है वो ये है, बात समझ गए, एक्चुअल ये है और स्टैंडर्ड ये है, होना ऐसा चाहिए था और रियल में ये है, यही दोनों इकोनॉमिक्स है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि आज के समय में जिए ना महाराज, पुराने जमाने में क्या था, आगे क्या होगा, उसको उसको लेके क्यों जिए, आज जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको देखिए। तो आज अगर आज की बात कोई करता है, आज के समय की बात करता है, तो वो एक क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और अगर आदर्श की बात करता है कि ऐसा होना चाहिए, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, भाई बढ़ रहा है तो कौन सा इकोनॉमिक्स वो बता रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बताइए ना, कैसे ठीक करेंगे उसको, सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन भी बताइए ना। अगर आप उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं तो आप कौन से इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी प्रॉब्लम तो सब जानते हैं जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। और जो सिर्फ प्रॉब्लम खड़ा करके छोड़ देता है वो किसकी बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसको लिख लीजिए, फिर दोनों में डिफरेंस बता देंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कि पॉजिटिव साइंस क्या है, वास्तविक विज्ञान। वास्तविक नाम से ही पता है कि एक्चुअल में क्या है वो बात करिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसकी बात नहीं करना, एक्चुअल में अभी है क्या, वास्तविक क्या है वो बात करना है, ठीक है। तो बोलता क्या है कि इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इट डील्स विथ व्हाट इज, DEA डील्स विथ what is and leaves the aspect of what ought to be, हिंदी में क्या लिखता है, यह कारण तथा परिमाण परिणाम में संबंध स्थापित करता है, इसके अंतर्गत क्या है इस बात को रखा जाता है तथा क्या होना चाहिए इसे छोड़ा जाता है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम को बताता है, रियल में है क्या, बात समझ गए, क्या है अभी के समय में उसकी बात करता है। इसका एग्जांपल जैसे है, भारत में कीमतें निरंतर बढ़ रही है, भारत में कंटिन्यूअस प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका एग्जांपल है, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यही तो समस्या, अभी क्या होना चाहिए उसको छोड़ दीजिए, समस्या क्या है वो बताइए। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रियल प्रॉब्लम ये है सर, देखिए इसको बोलते हैं भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, आप लोग भी कोरिलेट करोगे मेरे आंसर से, आप लोग भी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आप भी मेरी बात से सहमत है, एटीसी कर दीजिए। यह है पॉजिटिव साइंस, और नॉर्मेटिव वाला उल्टा हो जाएगा। नॉर्मेटिव साइंस आदर्श विज्ञान। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, इट डील्स विथ व्हाट इज, क्या है इसमें डील करता है। देखो इसको, व्हाट इज क्या है इसमें डील करता है, और छोड़ता क्या है बोलता है, एंड लीव द एस्पेक्ट ऑफ, क्या छोड़ देता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए उसके एस्पेक्ट को छोड़ देता है, क्या होना चाहिए उसको छोड़ देता है, और क्या है उस पर डील करता है। लेकिन ये क्या करेगा, क्या है इसको छोड़ देगा और क्या होना चाहिए इस पर बात करेगा। तो जस्ट उसका रिवर्स है, ये जस्ट उसका क्या है, रिवर्स है। तो नॉर्मेटिव बोलता है इट इज रिलेटेड विद द एस्पेक्ट ऑफ, इट इज रिलेटेड विद द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स टू बी के बाद यहाँ इन विच मत लिखे, आगे लिखे इट डील्स विथ व्हाट आउट टू बी एंड लिव्स द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज, जस्ट उसका उल्टा है। इसके अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया जाता है क्या होना चाहिए, ध्यान दिया जाता है कि क्या होना चाहिए, और इस बात को छोड़ दिया जाता है कि क्या है, इस बात को छोड़ दिया जाता है कि क्या है। अब एग्जांपल देखिए, क्या होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, इसमें समस्या बता रहा था, इसमें क्या बोलता है बताइए, यहाँ पे क्या बताया था फर्स्ट में, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया बढ़ रहा है भाई, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बोलता है भारत में बेरोजगारी नियंत्रित होनी चाहिए। पहला क्या लिखता है, कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी क्या हो रही है, बेरोजगारी को कम करना चाहिए कि नहीं, बोलता है भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत में बेरोजगारी नियंत्रित होनी चाहिए। एटीसी, ये सारे हम लोग नॉर्मेटिव में देखते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको खुद से, यहाँ सॉल्यूशन बता रहा है कि कंट्रोल होना चाहिए, और ये बोलता है कि समस्या क्या है। दोनों इकोनॉमिक्स, तो कुछ विद्वान ऐसे हमारे इकोनॉमिक्स में जो इस पोजीशन को देखते हैं, बोलते हैं हम इसके साथ हैं, इकोनॉमिक्स रियल में यही है, हम बताएंगे क्या है। और कुछ हमारे इकोनॉमिक्स के विद्वान ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, बात समझ आई। तो हमारे इकोनॉमिक्स में, मतलब इकोनॉमिक्स के विद्वान जो दो पार्ट में बटे हुए हैं, कुछ लोग इसके सपोर्टर हैं और कुछ लोग इसके सपोर्टर, तो आपको दोनों पढ़ के जाना ना, फिर आप तय करेंगे आगे कि आप किसके सपोर्टर होंगे।
लेकिन अभी आप बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं तो दोनों सपोर्ट वाला पढ़ लीजिए कि ये क्या बोलता है और ये क्या बोलता है, फिर आपको भी तय करना है कि आप किसके सपोर्ट में, पॉजिटिव में या नॉर्मेटिव में। तो दिक्कत है, तो दो तरह के सोच के लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव सोच के लोग होते हैं, कुछ नॉर्मेटिव सोच के सोचने वाले लोग होते हैं। तो कुछ वास्तविक विज्ञान की मतलब आज जो है उसके बारे में बात करता है, कुछ बोलता है आदर्श क्या होना चाहिए था वो बताइए। कोई दिक्कत है, आज मेरे बताओ आज के समाज में बच्चों की स्थिति क्या है, और बुजुर्ग के पास जाओगे तो पूरे बोलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, संस्कार है सब कुछ, बहुत सारा बात लोग बोलने लगता है। इसका मतलब दो तरह का धड़ा है, एक आज के बारे में बात कर रहा है कि आज का समाज कैसा चल रहा है, और एक पुराने ज़माने के बारे में बात कर रहा है कि नहीं आदर्श ये है कि माता पिता का पैर छुओ, माता पिता को भगवान मानो, ये आदर्श है कुछ लोगों का, और कुछ लोग आज के समय के हिसाब से जी रहे। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट आज भी समाज में है, उसी तरह इकोनॉमिक्स को भी दो पार्ट में बट गया, यानी इकोनॉमिक्स के जितने विद्वान हैं वो दो पार्ट में बटे हुए, कुछ लोग पॉजिटिव साइंस की तरफ हैं और कुछ लोग नॉर्मेटिव साइंस की तरफ हैं। इसको लिख लीजिए।